नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रानू मंडल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर एक प्यार का नगमा है गाना गाते हुए रानू का एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद वो रियलिटी शो की नजर में आ गई। ऐसे ही एक शो पर हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में एक गाना ऑफर कर दिया। रानू का हिमेश के साथ तेरी मेरी कहानी गाने की रिकॉर्डिंग वाला वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। कुछ दिन पहले रानू मंडल से जुड़ी एक खबर मीडिया में तैरने लगी। कहा गया कि रानू की गायकी से इंप्रेस होकर सलमान ने उन्हें 55 लाख रुपए का घर गिफ्ट किया है। ये खबर मार्केट में आते ही भयानक तरीके से फैल गई। हर कोई सूत्रों रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर छापने लगा और बाद में पता चला कि सलमान और रानू के बारे में जो खबर चली थी वो बिल्कुल फर्जी थी। हालांकि ये सच है कि रानू मंडल के लिए घर बनवाया जा रहा है, लेकिन ये काम सलमान खान नहीं कर रहे। तो सवाल उठता है कि फिर रानू के लिए घर कौन बनवा रहा है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने सच्चाई जानने के लिए रानू मंडल को फोन किया। जब अखबार ने इस बारे में रानू से पूछा तो उन्होंने फोन अतेंद्र चक्रवर्ती को पकड़ा दिया। अतेंद्र रानू मंडल के मैनेजर हैं। अतेंद्र वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर रानू मंडल का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट को नकार दिया। अखबार से बातचीत में अतेंद्र ने कहा कि ये फेक न्यूज है। अफवाहें फैलाने के बाद मेरे पास भी कई कॉल आए और उन्हें इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। रानू मंडल के लिए जो घर बनवाया जा रहा है वह रानी घाट प्रशासन की तरफ से दिया गया है। जिस चैनल ने उन्हें लाइव परफॉर्मेंस का मौका दिया है उसने ही स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आधार कार्ड बनवाने में मदद की। उन्होंने कहा कि रानू को बॉलीवुड, बंगाली और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग से खूब प्रस्ताव मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही हमें एआर रहमान के ऑफिस से भी फोन आया था। सोनू निगम ने भी रानू जी के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है। बॉलीवुड से मिल रहे ऑफर के साथ ही हम इन प्रस्तावों पर ध्यान दे रहे हैं। अतेंद्र ने यह भी बताया कि रानू को भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं। इन सब के बीच रानू मानती है कि उनके साथ जो हो रहा है वो समझ नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे ऊपर अपना प्यार बरसा रहे हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मैंने अपना सारा काम अतेंद्र को संभालने के लिए दे रखा है। इस उम्र में मेरे लिए ये समझना काफी मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरे पास फोन तक नहीं है। अतेंद्र मुझे हर चीज सिखा रहा है, वह मेरे बेटे की तरह है। रानू मंडल मूल रूप से पश्चिम बंगाल की हैं। बचपन में ही मुंबई चले जाने के बाद उनकी शादी वहां के बाबुल मंडल से हो गई, लेकिन पति के देहांत होने के बाद रानू वापस पश्चिम बंगाल लौट आई। फिर लौटने के बाद वो पैसे को लिए लगातार सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पर गाना गाने लगी। सोशल मीडिया में खबर वायरल होने के बाद अब वे स्टार बन चुकी हैं। क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे रहा या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो भी बेहद किफायती दामों पर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।